हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी बच्चों। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली की सवाले, जो कि आपका है प्रश्नावली 3.4 यानी कि प्रश्नावली तीसरे का चौथा अभ्यास। इसके पहले मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था, ठीक है, सार्वगुणनखंड और सार्वगुणज। मैंने ये भी कहा था कि अगर इस टॉपिक को आप पढ़ लेते हैं तो प्रश्नावली की सवाल करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जो बच्चे अगर पढ़ लिए हैं तो उनको सच में आज कोई दिक्कत नहीं होगी, और जो बच्चे नहीं पढ़े हैं मैं तो यही कहूँगा कि उसको पढ़ लीजिएगा, नहीं पढ़े हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर मैं समझा दूँगा, ठीक है ना। तो चलो अब बच्चों हम चलते हैं प्रश्नावली की सवालों पर, है क्या उसमें, ठीक है ना। तो मैंने बताया कि प्रश्नावली 3 का चौथा अभ्यास है। तो देखो पहला सवाल इसमें क्या है, कह रहा है कि निम्न के सार्वगुणनखंड ज्ञात कीजिए। सार्वगुणनखंड, अब जो बच्चे पढ़े हैं उनको तो समझ में आ गया, अब जो नहीं पढ़े हैं चलो ठीक है समझते हैं। तो देखो इसमें चार सवाले हैं, और हाँ एक चीज़ ये भी है कि जैसे चार सवाल हैं उसमें से एक या मैक्सिमम दो बताऊंगा, बाकी आपको करनी है, ठीक है। जैसे कि आसान लगेगी कि ये आसान है तो मैं एक ही बताऊंगा, और लगता है कि हाँ इसमें कुछ कठिन है तो वो दो बता दूंगा, उसके अलावा आपको ही करना है बच्चों, ठीक है। तो इसमें चार सवाल हैं, तो पहले सवाल हम देखते हैं क्या है। देखो ए वाली सवाल में है 20 और 25, ठीक है, 20 और 25, ठीक है। अब देखो इसमें करना क्या है आपको, ये कह रहा है कि सार्वगुणनखंड ज्ञात करना है ना, तो गुणनखंड निकालना तो आपको पता ही यार, बहुत ही आसान है। देखो अच्छा, आप जिसको गुणनखंड नहीं निकालना पता है वो भी मैंने वीडियो बनाया है, तो आप उसको देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जा करके। फिलहाल तो अभी हम इसको समझते हैं, पहले हम 20 का गुणनखंड निकालेंगे, ठीक है ना बच्चों। 20 का गुणनखंड और 25 का गुणनखंड दोनों का निकालना है, पहले हम 20 का निकालते हैं। तो ये यहाँ पर लिखते हैं एक, और ये जो एक है ये हमेशा हर एक संख्या का गुणनखंड होता ही है बच्चों, ठीक है। तो एक हो गया, दूसरा हो जाएगा दो, ठीक है, और तीसरा तीन होगा, तीन नहीं होगा चार, चार भी हो सकता है और पाँच भी हो सकता है। क्यों, थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे कि दो, अगर 20 में दो से भाग करेंगे तो भाग हो जाएगा ना, चार से 20 में भाग करेंगे तो भाग हो जाएगा, पाँच से 20 में भाग करेंगे तो भाग हो जाएगा, ठीक है ना, ये समझ में आया। तो उसके बाद हो जाएगा आपका 10। तो ये हैं इनके गुणनखंड 20 के। इसी तरीके से हम लिखते हैं 25 का भी। तो 25 मैंने बताया ना कि एक हर एक संख्या का गुणनखंड होता है, तो एक तो इसमें भी रहेगा, दूसरा हो जाएगा आपका 5, ठीक है। 3, 4 से अगर हम भाग करेंगे 25 में तो नहीं होगा, इसीलिए हमने 5 लिख दिया, ठीक है। 5 के बाद लिखते हैं 6 होगा, 7 होगा, 9 8 होगा, 9 होगा, नहीं होगा वो भी, 10 देखते हैं 10 भी नहीं होगा, और 10, 11, 12, 13, 14 यानी कि मुझे क्या लगता है ये सच में बस एक के बाद 5, 5 के बाद इसका कोई गुणनखंड हो सकता है, ऐसा नहीं है, 25 ही कर दो इसको, ठीक है। अच्छा इसका एक गुणनखंड हो जाएगा 20 भी, ये ध्यान देना, ठीक है। अब इसका हो गया 25 डायरेक्ट। अब यहाँ देखो 25 का हमने किया 25 तक गुणनखंड, 20 का 20 तक गुणनखंड किए, अब हमको निकालना है सार्वगुणनखंड, इसका गुणनखंड और नहीं होगा, बस इतना ही है इसका गुणनखंड। अब इसका निकालना हमें क्या, सार्वगुणनखंड। सार्वगुणनखंड कैसे निकालेंगे, मैंने बताया कि जो भी संख्या, जो भी गुणनखंड दोनों संख्याओं में दिखे, यानी कि दोनों संख्याओं के गुणनखंड में दिखे। तो देखो जैसे एक है, एक है भाई दोनों में, तो ये एक सार्वगुणनखंड हो गया, ठीक है। अब और दो, दो इसमें नहीं है, चार है, पाँच, ये देखो पाँच इसमें है और पाँच, और कुछ मिल रहा है जो कि दोनों में हो, नहीं ना। तो जो सार्वगुणनखंड होंगे बच्चे वो क्या है, सार्वगुणनखंड यहाँ पर पहले हम लिख लेते हैं, सार्वगुणनखंड क्या है, एक और पाँच, बस यही हो गया सार्वगुणनखंड यार। देखो जो दोनों में हमको मिल रहा है वही सार्वगुणनखंड हो जाता है, और जो बाकी की सवाले हैं कोई ऐसी सवाल नहीं है जो बहुत ही कठिन हो, ठीक है ना। इसलिए मैंने एक सवाल बता दिया है, और बाकी की 3 सवाल आप खुद कर लीजिएगा, वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ठीक है, तो वहाँ से कर लीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं बच्चों दूसरी सवाल पर। दूसरी सवाल आपका है क्या कि निम्न के सार्वगुणनखंड ज्ञात कीजिए। सार्वगुणनखंड ही इसमें भी ज्ञात करना है, बस संख्याएं इसमें आपको 3 दी गई हैं। तो मैंने इसके पहले जो टॉपिक मैंने बताया था सार्वगुणनखंड और सार्वगुणज, उसमें ये भी बताया था कि भाई यहाँ पर तो 2 ही है, इसके अलावा 3, 4 भी हो सकते हैं संख्याएं, तो उसमें सार्वगुणनखंड निकालना हो तो यही प्रोसेस हम लगाते हैं, बताया था कि नहीं बताया था। तो चलो देखते हैं इसको भी। तो दूसरी सवाल है ये ना,
दूसरी सवाल का है ए, ठीक है, और इसमें है 4, 8 और 12, कौन कौन से 4, 8 और 12। अब इसमें कह रहा है कि आपको निकालना है सार्व गुणनखंड, तो पहले सार्व गुणनखंड से पहले हम क्या करेंगे, इनका गुणनखंड निकालेंगे। चलो निकालते हैं भाई, 4 है 1, 2, 4, मतलब इन्हीं चीज़ों से अगर हम 4 में भाग करेंगे तो भाग होगा, इसके अलावा और कोई संख्या से भाग करेंगे तो नहीं होगा, इसीलिए इसको गुणनखंड लिखे हैं यहाँ पर, ठीक है। 8 1 हो जाएगा 2 हो जाएगा 4 हो जाएगा और 8 स्वयं हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब चलते हैं 12 पर, 1 2 3 भी हो जाएगा, 4 भी होगा, 5 नहीं होगा, 5 से भाग करेंगे 12 में तो नहीं होगा, ठीक है, 6 उसके बाद डायरेक्ट 12 हो जाएगा, तो इसका गुणनखंड इतना हुआ। अब देखो बच्चों, अब इसमें हमें ये देखना है, ऐसा गुणनखंड ढूंढना है कि जो तीनों में हो, ठीक है, तीनों के गुणनखंड में हो, तो देखते हैं कौन कौन से है। देखो जैसे 1 है तीनों में है, ठीक। अब देखते हैं 2 भी तीनों में दिख रहा है ना, तो ये 2 हो जाएगा आपका। उसके बाद देखते हैं 4 यहां पर है, 4 यहां पर भी है, 4 इसमें भी है, तो 4 4 4 ये हो गया। तो क्या करें हम विचार, है ना, 4 कुल हर जगह है, तो क्या करें विचार। अब देखो इसमें क्या करना क्या है, अब कुछ नहीं करना भाई, जो है तीनों में उसको अलग कर लेंगे, वही सार्व गुणनखंड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हेडिंग लिख देते हैं, हेडिंग मतलब कि सार्व गुणनखंड लिख देते हैं, ठीक। सार्व गुणनखंड क्या है भाई, 1 और 2 4, तो ये हैं आपके सार्व गुणनखंड। दूसरी सवाल हो गई, और दूसरी सवाल में इसके अलावा एक सवाल है, तो उसको आप खुद करिएगा, यानी कि जैसे मैंने इसको बताया था वैसे ये भी है, तो कुछ अलग तो है नहीं, है ना। अब चलते हैं तीसरे सवाल पर बच्चों, तो तीसरे सवाल में कह रहा है कि निम्न के प्रथम 3 सार्व गुणज ज्ञात कीजिए। ये तो बहुत ही आसान सवाल है, कैसे इसको भी देखते हैं हम, तो ये आपके तीसरी सवाल है और तीसरी का ए हम देखेंगे। इसमें तो पक्का मैं एक ही सवाल बताऊंगा, इसके आगे तो कोई बताऊंगा ही नहीं, वैसे 2 सवाल है ही, ठीक है। तो देखो 6 और 8 इसके क्या करना है भाई, प्रथम 3 सार्व गुणज ज्ञात करना है। हाँ कुछ कन्फ्यूजन इसमें हो सकता है, तो उसको मैं क्लियर कर दूंगा। तो देखो 6 का पहले हम गुणज निकालेंगे, फिर उसके बाद 8 का गुणज निकालेंगे, ठीक है ना बच्चों। अब क्या करना है हमें, सिर्फ पहाड़ा पढ़ते हुए चले जाना है, इसको लिखते चले जाना है, इसके पहाड़े को क्या क्या होता है, ठीक है। तो चलो लिखते हैं, 6 कम 6 हो जाएगा, 6 नहीं लिखेंगे, 6 दूना 12, 6 3 18, 6 चौके 24, 6 5 30, 6 6 36, 6 7 42, ठीक है, 6 8 48। 48 दिख रहा है कि नहीं आपको, देख लेते हैं हम, ठीक है, दिख रहा है दिख रहा है, तो इतना समझ लीजिएगा कि यहाँ पर 48 है, है ना। तो अब देखो 8 का भी ऐसे गुणा करके लिखते हैं हम, 8 दूना 16, 8 3 24, 8 3 24, 8 चौके 32, 8 5 40, 8 6 48, ठीक है, 8 7 56, 8 8 64, इसको लिख रहे हैं, हो सकता है आगे भी लिखना पड़े, ठीक है। फिलहाल यहाँ तक हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे गुणज हैं जो कि दोनों में मिल रहे हैं, मतलब 6 के गुणज में भी 8 के गुणज में भी। तो 12 देखते हैं, तो 12 इसमें तो है लेकिन इसमें नहीं मिला है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं 18 कहीं है, इसमें नहीं है, 24 इसमें भी है, इसमें भी है, तो इसको क्या करते हैं हम गोला कर लेते। अच्छा गोला इसलिए करते हैं जिससे कि हमको पता रहे भाई, गोला आप ना करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट यह है कि जैसे गोला हम कर देते हैं उसको पता चल जाता है ना, कि हमको पता चल जाता है कि भाई ये सार्व गुणज है या सार्व गुणन खंड है। तो 24 हो गया आपका। उसके बाद देखते हैं 30 इसमें नहीं है, 36 इसमें नहीं है, 42 भी नहीं है, 48 दोनों में है, ठीक है। देखो ये हो गया 48। अब देखो यहाँ पर अब कहा गया कि प्रथम 3 सार्व गुणज ज्ञात कीजिए, तो भाई ये तो हो गया 24 और ये हो गया 48, अभी कितने नहीं पता है, 1 नहीं पता है, तो हम क्या करते हैं 6 का पहाड़ा 48 के आगे भी बढ़ते हैं, ठीक है। तो 6 7 42, 6 8 48, 6 9 में 54, यहीं पर लिख देते हैं, आप लोग समझदार तो है ही,
छः नौ में चौवन, छः धामा साठ, ठीक है यहाँ तक देखते हैं। और इसको भी हम दो बढ़ाते हैं, आठ आठ दूनी सोलह, आठ तीन चौबीस, आठ चौक बत्तीस, आठ पंच चालीस, आठ छः अड़तालीस, आठ सत्तर छप्पन, आठ अट्ठाईस चौंसठ, आठ नौ बहत्तर। तो ये हो गया आपका आठ नौ बहत्तर। तो उसको भी हम और आगे करके देखते हैं कितना आता है, ठीक है। तो छः धामा साठ हो गया, और छः के बाद ग्यारह छः के छाछठ, बारह छंग बहत्तर। अच्छा ये देखो, बहत्तर इसमें भी है, बहत्तर इसमें भी है, तो तीसरा आपको कॉमन मिल गया, ठीक है। सार्व का मतलब होता है कॉमन। अब देखो तीन गुणज ऐसे हैं कि जो दोनों में है, ठीक है। कौन कौन से हैं इसको लिख लेते हैं, यहाँ पर चौबीस है आपका, अड़तालीस है और बहत्तर है। और ये क्या है भाई, यही है आपका सार्व गुणज, ठीक है। क्या है? सार्व गुणज। तो आसान है ये भी, बहुत कठिन नहीं है। तो ये आपकी हो गई भाई तीसरी सवाल, ठीक है। इसमें एक सवाल बची हुई है, उसको आप खुद ही करेंगे बच्चों। तो बच्चों आज की क्लास में हम सिर्फ तीन ही सवाल करेंगे, तीन सवाल में जो बची हुई सवालें हैं पहले आप उसको कर लीजिएगा, तो नेक्स्ट पार्ट में मैं जो बची हुई सवालें हैं उनको कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है ना बच्चों। तो आज के क्लास में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।